कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटकों के लिए बुरी खबर। अधिक वर्षा के कारण अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1 अक्टूबर की वजह से 16 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। इस जानकारी को लेकर पार्क डायरेक्टर ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसके माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। इस वर्ष में पर्टिकुलरली सितंबर महीने में आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, अभी भी पानी गिर रहा है। इस वजह से जो कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर अधिकांश जो हमारा वन मार्ग है, पुलिया है, रपटा है, वो सब टूट चुका है। सो इस वजह से जो अंदर पर्यटन वाहन जाने लायक नहीं है। सो इस वजह से हम लोग इस बार पर्यटन 16 अक्टूबर से शुरू करने का प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में क्या व्यवस्था थी? इसके पूर्व में 1 अक्टूबर से चालू हो जाता था, बट परंतु ये जो वेदर कंडीशंस है, जिसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से जो ये हो रही है, इस वजह से हम इसको डिले करना पड़ रहा है। और सर, जिन लोगों के रिजर्वेशन थे उनके लिए क्या कोई स्पेशल व्यवस्था या क्या व्यवस्था? जिन लोगों ने 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो किया है, वो MP ऑनलाइन द्वारा उनको टिकट निरस्त कर दिया, उनका फुल्ली जो भी राशि था वो रिफंड कर रहे हैं, एंड सभी जो पर्यटकों को SMS के माध्यम से भी उनको सूचना दी जा रही है। ये मध्य प्रदेश के कितने पार्कों में बढ़ाया एक्सटेंड किया? अभी मध्य प्रदेश में कान्हा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये तीनों टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बंद किया है। थैंक यू।